हम लोग 17,982 फीट की हाइट में है, ऊपर से नीचे स्नो एकदम प्लेन बैठा हुआ। और क्या ही खराब रास्ता इस साइड। ऐसा ऑफ रोडिंग लद्दाखिया ऑफ रोडिंग कैसे चलेगा बाइक। ओ सिट, बच गया मैं तो। जाएंगे फिर भी निकल जा रहे यार, क्या ही ऑफ रोडिंग है, पूरा बालू में फंस गया था। बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा विलेज है। वो सामने से व्यू देखो यार, वाव यार। बालू स्टार्ट हो चुका है, बालू वाले पहाड़। डिस्किट मॉनेस्ट्री पूरा दिखाते हैं। 106 फीट स्टैचू है। तो चलो यार, अब टाइम हो चुका है 4:22। अब यहाँ से निकलते हैं, मैगी वगैरह खा लिए, आराम से निकल जाते हैं यहाँ से। उसके बाद देखते हैं आज का स्टे कहाँ पे होता है, आज कहाँ पे रुकते हैं, कोई आइडिया नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पे तो शाम ढलते ढलते 7:30-8 बज ही जाता है। और भाई देखो, हम लोगों ने यहाँ पे अपना मैगी बनाया और यहाँ पे मस्त सोया हुआ। हाय हाय, ये मस्त सोया हुआ यार। हमने यहाँ पे अपना कचरा नहीं फेंका, यहाँ से हमने अपना रैपर वगैरह ले लिया। हम अगर कहीं पे कैंपिंग वगैरह करते या तो कहीं पे ऐसे रुक के मैगी वगैरह बनाते या कुछ भी बनाते तो नेचर के सामने हम अपना कचरा फेंक के नहीं जाते, हम अपना कचरा अपने साथ लेके जाते हैं और जहाँ पे डंप किया रहता है उन सब जगह पे फेंकते हैं। तो चलो आप निकलते हैं यहाँ से। तो चलो यार, यहाँ पे अपना पेट भर लिया। चलो आओ मोहित, हम निकल रहे आगे। यहाँ पे हमने अपना पेट भर लिया, अब आगे चलते हैं। आज पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, आज ऐसा कोई प्लान नहीं है कि यहाँ यहीं पे रुकना है या वहाँ पे रुकना है। जहाँ तक पहुँच पाते हैं, नुब्रा वैली में तो कैंपिंग का उतना ज़्यादा कोई दिक्कत वगैरह है नहीं शायद, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है। तो देखते हैं जहाँ तक चल पाते चलते आज, बाकी कल सोचेंगे। मुझे लगा था कि खलसर बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि खलसर का एल्टीट्यूड लगभग 10,000 फीट के आसपास है, तो 10,700 फीट के आसपास है खलसर का एल्टीट्यूड। तो थोड़ा आराम से जाएंगे, फिर भी निकल जा रहे यार, क्या ही ऑफ रोडिंग है, पूरा बालू में फंस गया था चक्का। तो बट लेकिन अभी वो पॉसिबल दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रास्ते बहुत ही ख़राब है जनाब यार। खारदुंगला पास के बाद से इधर का रास्ता अभी तक तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन व्यू उतना ही ज़बरदस्त है यार, गजब का व्यू है, पूरा ब्राउनिश माउंटेन यार। बहुत देर से नो नेटवर्क जोन में हूँ, बहुत देर से कोई स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कोई स्टोरी नहीं। सामने दिख रहा है, ये है खारदुंग विलेज, और बोर्ड में लिखा हुआ था उसका एल्टीट्यूड है 14,730 फीट। तो 14,700 फीट के एल्टीट्यूड में हमें ये खारदुंग विलेज में, और काफ़ी सुंदर सा विलेज है यहाँ पे, काफ़ी सही सीन है यार। यहाँ पे खेती वगैरह भी होते, किस चीज़ का खेती होता है मुझे नहीं पता, बट खेती होता है। और इसी खारदुंग विलेज के नाम पे ऊपर टॉप का जगह जो पास है उसको खारदुंगला पास नाम दिया गया है। बाकी सब सही है यार, ये विलेज का पॉपुलेशन भी बहुत कम है, सिर्फ 468 पॉपुलेशन है इस विलेज का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। जब बड़ा भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 500-550 हुआ होगा, उससे ज़्यादा कितने बच्चे पैदा करेंगे तो बहुत ही छोटा सा विलेज है, लेकिन बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा विलेज है यार। बाउंड्री देखिए, यहाँ पे घर का बाउंड्री किस टाइप से दिया गया, इसे बस पत्थर को एक के ऊपर एक रख दिया गया और इसी से घर का बाउंड्री दिया गया। और यहाँ के घर तो बहुत ही पुराने ज़माने के घर सब यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ही पुराने, एकदम अलग ही माहौल है यहाँ का, अलग। यहाँ पे भी आपको कुछ गेस्ट हाउस, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे रहने का जगह भी आपको मिल जाएंगे कुछ छोटे मोटे। खलसर यहाँ से और 23 किलोमीटर देखो यार, वाह। तो ये एक नया सा लैंडस्केप आ गया आपके सामने, मीन्स हर मोड़ पे, हर टर्निंग पे, हर जगह पे एक नया कुछ देखने मिला। उस जगह पे देखिए, वहाँ पे क्या है कि चारों तरफ पूरा ब्राउन वाला माउंटेन और बीच में ऐसे 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 करके ब्लैक, थोड़ा ग्रेस ब्लैक सा है। शायद यहाँ पे पत्थर फटा, मीन्स पत्थर को
फटाया जाता है और लेके जाया जाता है घर बनाने के लिए इस पहाड़ से। जैसे उधर देखो काफ़ी सारा पत्थर को रखाया गया, मोस्ट प्रोबेबल चांस यही हो सकता है, देख के यही तो लग रहा है, क्योंकि ये जो पूरा पहाड़ है पूरा पत्थर वाला है और मीन्स इसका जो मिट्टी है थोड़ा लूज है, देखने में ऐसे लग रहा है मिट्टी लूज है और पूरा पत्थर से भरा हुआ पहाड़ है। पहाड़ को तो गजब काट के बनाया गया यार, सही है यार। वो सामने से व्यू देखो यार, वाव। पहाड़ों के बीच से घुस के निकलना और सामने वो व्यू बहुत ही कंटाप था, बहुत ही गजब था। पूरा काट काट के साइड में रखा गया मीन्स पूरा पहाड़ से। इसमें दो काम हो जाते हैं, एक तो पत्थर काटने का काम हो जाता है मीन्स घर बनाने के लिए, और दूसरा रास्ता चौड़ा होते जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इतने सारे पत्थर रखे हुए हैं इस खलसर जाने के रास्ते में। ऑफ रोडिंग तो है, बहुत ही छोटा सा रास्ता है मीन्स एक साइड से गाड़ी आ रहा तो दूसरा साइड को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और बाकी यार नीचे पूरा सैंड ड्यून्स लग रहा है यार, बहुत ही सही सीन है। ये जो रास्ता है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस रोड है, बहुत ही डेंजरस, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई बैरिकेटिंग नहीं दिया गया, कोई भी बैरिकेटिंग नहीं, और नीचे कितना नीचे, बहुत ही भयानक सीन लग रहा है, बहुत ही भयानक। लुक एट दिस लैंडस्केप यार, जस्ट अ ग्लिम्स, एक ग्लिम्स देख लीजिए, बहुत सही सीन लग रहा है, बहुत सही, गजब यार गजब। चलो आज ऑफरोडिंग का मजा ले ही लेते हैं, मैं घुसाता हूँ आप पहले, रुको 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 यार, इस पहाड़ और उस पहाड़ के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जिसमें शायद सिर्फ 8-10 के घर होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सिर्फ 8-10 घर ही होंगे उधर, और पूरा हरा भरा है, और उसी के नीचे में एक नदी बसा हुआ है, नदी बह रहा है। बजट में आपको चलना है तो तेल भी बचाना है, तेल बचाना है तो ऊपर से डाउन मारना है। यार मैं ऐसे ही करता हूँ, जब इतना डाउन है कौन इतना गाड़ी को एक्सीलेटर मोड़े, कौन तेल जला, आराम से ब्रेक व्रेक छोड़ दो, गाड़ी अपने आप चलते रहेगा, अपने आप चलते रहेगा। पूरा भी एकदम डाउन जाना है, मैंने ऊपर से देख लिया पूरा एकदम डाउन नीचे आना है, तो आराम से अभी नीचे लेके जाते हैं जितना भी किलोमीटर हो। एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको ब्रेक पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, अगर ब्रेक पे आपका कंट्रोल नहीं रहा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा पर्पल टाइप का यहाँ पे पत्थर देखने को मिला, पर्पल कलर का, सही है यार, हर जगह अलग अलग चीज़ देखने मिल रहा है। नीचे आने से ऐसे 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 अगर घूम के उधर 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 कितना सारा रास्ता दिख रहा होगा, अगर को बहुत नीचे आना भाई। ये यहाँ से किधर जाना है हमको, खारदुंग 20 किलोमीटर उधर, हाँ सियोक वैली उधर चल जाता है और नुब्रा वैली इधर, चलो नुब्रा वैली की ओर चलते हैं अब। तो चलो अब हम पहुँच चुके हैं खलसर विलेज, तो खलसर विलेज जैसे पहुँचे यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है यार, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, काफ़ी लोग बैठ के चाय वगैरह पी रहे, खाना खा रहे, काफ़ी सारी चीज़। अगर मैं आपको बताऊँ खलसर विलेज लगभग 10,700 फीट के एल्टीट्यूड में, 10,700 फीट के आसपास, और खलसर विलेज में सिर्फ और सिर्फ आपको 28-30 हाउस देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 28-30 हाउस, बस इतने ही। इसका दिक्कत हो गया गाड़ी में, इसका गाड़ी का रेस बढ़ गया है, तो देखते हैं एक मिनट रुको करने दो, बढ़ाना मत कम, हो गया।
मोहित का गाड़ी में दिक्कत आ रहा था, मोहित का गाड़ी रेस ले रहा था। दिक्कत ये हो गया था कि मोहित का गाड़ी मतलब एक्सेलेटर वायर बहुत ज़्यादा रेस ले रहा था, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश किया, फिक्स हो गया अभी। बाकी खलसर से हम लोग जा रहे हैं अभी डिस्किट की तरफ। देखो भाई कितना अच्छा, मीन्स छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए, मीन्स जंगली पेड़ है शायद, कि कौन से पेड़ है मुझे नहीं पता, और उसके साइड में ही नदी है। हम खलसर से डिस्किट की ओर बढ़ रहे हैं और आपको बगल में बच्चा हाई कर रहा था, तो आपको बगल में ये नदी दिख रहा होगा। ये नदी है सियोक नदी, सियोक रिवर, और ये रिवर निकलता है सियाचिन ग्लेशियर के, सॉरी सियाचिन से रिमो ग्लेशियर से, सियाचिन के रिमो ग्लेशियर से ये सियोक रिवर निकलता है। और ये रिवर अभी हम लोग के साथ ही चलेगा, साथ ही चलेगा। तो ये सियोक रिवर जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ। यार फिर से ऑफ रोडिंग की तरफ बढ़ ही रहे कि सैंड ड्यून्स वाले जगह आ गए, मीन्स यहाँ पे पूरा सैंड भरा हुआ है, पत्थर और सैंड, और इधर बहुत से एडवेंचर एक्टिविटी होते हैं बहुत से। उन लोगों से पूछते हैं, इनसे पूछ लेते हैं ना, उतना क्या है। डिस्किट किधर है, सीधा आ जाओ। इधर कहाँ जाता है, सियाचिन बेस कैंप ये, अच्छा। और इधर से पेंगोंग जो ऊपर से आए, अच्छा अच्छा, जो ये जो पॉइंट है वहाँ से देखिए इधर में चले जाएंगे आप सियाचिन बेस के, हम चल जाएंगे पेट्रोल पंप देखने को मिलता है, तो इधर आप चल जाएंगे डिस्किट तुरतुक थांग उस उन सब में नूबरा वैली में, और उधर चल जाएंगे आप सियाचिन बेस कैंप की तरफ, और उधर से जब वहाँ से घूमे उस साइड से आए तो उधर जाना है पेंगोंग की तरफ। तो चलो यार डिस्किट चलते, डिस्किट 15 किलोमीटर है यहाँ से। और यार अब मज़ा आ रहा ना बाइक चलाने में यहाँ पे, ओह यार आप सही है बॉस, इधर भी पूरा खाली, इधर भी खाली माउंटेन सब, और डिस्किट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और देखो पूरा पत्थर से भरे हुए, और सैंड ड्यून्स भी आपको आगे देखने को मिलेंगे हुंडर में, हुंडर में पूरा सैंड ड्यून्स के पहाड़ देखने को मिलेंगे, पूरा सैंड के पहाड़। यार चलो 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 चलो, ईस्ट और वेस्ट सेफ ड्राइविंग इज द बेस्ट, यस ऑल राइट। बाकी पहाड़ कल जा रहा देखो, राइट। यूपी के एक, झारखंड के दो, रांची के दो लोग मिले आगे, ये वाला है जो यूपी का है उसके आगे झारखंड का, रांची का उसके आगे भी, रांची का उसके आगे वाला पता नहीं, और एक जो मेरे साथ था यूपी का वो आगे चल गया नोएडा वाला, नोएडा का जो है मोहित। यार अब लग रहा है वाह फीलिंग, अरे बिहार का भी गाड़ी, मैं क्या देख रहा हूँ, देखता हूँ हाँ भाई बिहार का, बिहार से कौन आए हुए हैं। स्टार्ट हो चुका है बालू, स्टार्ट हो चुका है बालू वाले पहाड़ भाई, बहुत गजब है बॉस, बहुत सही सीन है यार। डिस्किट अभी तक पहुँचा भी नहीं हुआ और ऐसे सैंड ड्यून्स पूरा देखने को मिल रहा है। डिस्किट अभी लगभग और 5 किलोमीटर, और डिस्किट की तरफ आते आते सारे के सारे व्यू चेंज हो गए, पूरा का पूरा व्यू चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए पूरा हरे भरे घास दिखने लगे, मीन्स लद्दाख में उस साइड में आपको हरे भरे घास ऐसे सामने साइड में पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, पूरा बंजर था, लेकिन ज़मीन पूरा बंजर था। अभी यहाँ पे देखिए सैंड भी आपको दिखेंगे, साथ में ग्रास भी दिखेंगे, और बहुत से चीज़ लाइक यहाँ पे जंगली पेड़ सब दिखेंगे। यस वाई लद्दाख इज कॉल्ड डेजर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यहाँ तो लद्दाख को कॉल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बालू मिलते हैं और यहाँ ठंडा है। साइड में डिस्किट मोनेस्ट्री है, डिस्किट मोनेस्ट्री जस्ट पहुँचने वाले, नीचे से बहुत ऊपर है। तो ये रहा डिस्किट मोनेस्ट्री का एंट्री टिकट, 30 रुपीज़ पर हेड है। तो सबसे पहले डिस्किट मोनेस्ट्री चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो स्टेचू है वो भी आपको दिखाएंगे। उधर आपको दिख रहा वो है मैत्रेय बुद्धा का स्टेचू, वो भी बाद में जाके दिखाएंगे आपको, पहले मोनेस्ट्री चल लेते हैं। चलो अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे डिस्किट गोम्पा की तरफ, यानी कि डिस्किट मोनेस्ट्री जो कि पूरा लद्दाख एरिया का
ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो कि 14th सेंचुरी में चंगम तेजब जंगपा के द्वारा बनाया गया, ऐसे कुछ नाम है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। तो अभी मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं और आपको डिस्किट मोनेस्ट्री पूरा दिखाते हैं। इधर भी टेंपल है, पीछे भी टेंपल है और यहाँ पे बुद्धिस्ट टेंपल के अंदर काफ़ी अच्छा से मीन्स ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था शायद, काफ़ी अच्छा से रखा गया, काफ़ी बढ़िया सा सीन है, काफ़ी शांति सा माहौल है। तो अगर आप आ रहे तो डिस्किट मोनेस्ट्री भी एक बार विजिट कर सकते हैं, बाकी देख रहे हैं और क्या क्या है। तो चलो अभी ऊपर चल रहे हैं, वहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, मॉन्क्स बोलते हैं तो उनको हमने पूछा कि ऊपर क्या जाए क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पहले ऊपर में राजा रहते थे, अब तो हाँ इनके गुरुजी अब यहाँ पे रहा करते, तो ये बंद है अभी, बस यही ऊपर में देख सकते थे, बाकी काफ़ी पुराना है देखो यहाँ पे ये सब, नीचे तो टाइल्स और ऐसे बनाए गए, बाकी पहले ऐसे पत्थरों का सीढ़ी बना हुआ रहता था जो कि यहाँ पर है। चलो इसके बाद वहाँ पे स्टैचू के ऊपर स्टैचू के सामने जाते हैं, तो स्टैचू का यहाँ पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं और इधर भी है। तो आपको जो उस साइड में दिख रहा, हम वहाँ पे गए थे उस मोनेस्ट्री में, डिस्किट मोनेस्ट्री। और आप ये जो मेरे पीछे स्टैचू देख रही है मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू, और ये 106 फीट स्टैचू है, बहुत बड़ा स्टैचू यार, बहुत बड़ा। ये इस स्टैचू को मैत्रेय बुद्ध स्टैचू कहा जाता है, बाकी आप शॉर्ट्स देख लीजिए। सो आज का पूरा दिन अगर ऐसा बोले तो यार बहुत ज़्यादा टायर्ड मीन्स ऐसा घूमते टाइम ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा हैवी काम के, बट बहुत ज़्यादा टायर्डनेस सा लग रहा है अभी। तो यहाँ पे लास्ट जहाँ पे हमने देखा था हमें, वहाँ से हम लोग यहाँ पे हुंडर पे आ गए, हुंडर पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग अंधेरा हो गया तो कैंपिंग लोकेशन सही से ढूंढ नहीं पाया, तो इधर ही कैंप लगा लेंगे, ठीक ठाक जगह मिला। अब इसके बाद आगे का सीन ये है कि कल देखते हैं तुरतुक और उसके बाद सियाचिन या तो पैंगोंग चलेंगे तुरतुक से वापस आके। और आज भाई सबसे मज़ा आया खारदुंगला में यार, पैसन लेके जाओ, सब पैसन के साथ फोटो खिंचाना यार अलग ही जोश था। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, आज के वीडियो को काफ़ी ज़्यादा थका हो और कल देखते हैं कहाँ तक चलेंगे, तो कल स्टार्ट करेंगे नया वीडियो। तब तक आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तब तक ले बाय।